ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में आज आर्थिक प्रगति की ओर आप हमेशा आगे बढ़ सके इसके लिए दिव्य मंत्र शक्तिपात। हर युग में, हर वक्त में, हर पल में, हर दिन पैसों की बोलबाला बढ़ रही है और जब इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आते हैं तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा आती है। आज के दौर में हर इंसान जिसके पास पैसा है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास पहले से ज्यादा आर्थिक उन्नति और प्रगति है, वो परेशान रहता है, दुविधाएं उसको घिरे रहती है। हर इंसान ये समझता है कि पैसा अगर आ गया उसके जीवन में तो शांति हो जाएगी, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, ऐसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा किसी भी तकलीफ का समाधान नहीं है। हाँ, पैसे से आप भौतिक समृद्धि को खरीद सकते हैं, आप फैसिलिटी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति पैसा नहीं दे सकता। ये आप भी जानते हैं, ये दुनिया का हर इंसान जानता है। फिर भी मैं आपको पैसे कमाने के लिए अजर अमर मंत्र शक्तिपात क्यों दे रहा हूँ? देखिए, पैसा आज हवा में ऑक्सीजन बनकर घूम रहा है। बिना पैसे दुनिया में कोई काम नहीं होता। ऐसा वक्त दूर नहीं है कि जब ऑक्सीजन को भी खरीदना पड़ेगा। ऐसा वक्त दूर नहीं है जब आपको अपने एक एक सांस की कीमत चुकानी होगी। आने वाले वक्त में अगर आपको पृथ्वी पर टिकना है, रहना है, तो पैसा चुका कर ही रहना पड़ेगा। बहुत साल पीछे नहीं जाते, 20-25 साल पीछे जाते हैं। पहले पानी की परब बनती थी, पानी पिलाना पुण्य का काम होता था, और आज पानी बिकता है और हमें लगता है कि ये सही है। 20 रुपया, 40 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, आरओ वाटर, अल्कलाइन वाटर, हजारों लाखों रुपये पानी के पीछे चुकाए जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल से सोचिए, पानी जैसी इंसान को, पशु पंखी को जीवित रखने वाली चीज अगर पैसे से बिक सकती है, तो कल क्या ऑक्सीजन पैसे से नहीं बिकेगा? कोविड की महामारी ने, हम सब ने दुनिया में देखा, ऑक्सीजन के एक एक बूंद के लिए हर इंसान तड़प रहा था। और जो इंसान ने इस दुनिया से कोविड के कारण अलविदा दिया, वो सब ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ही मरे। उनको देने के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं था, और तब ऑक्सीजन की कीमत हमने आसमान को छूते देखी, और ये बात आप सब ने देखी है। इसलिए मेरी बात ध्यान से और गौर से समझिए। ऑक्सीजन की छोटी छोटी बोतलें आएगी, जैसे इंजेक्शन की बोतल होती है, और उसे लेकर नाक में इनहेल करेंगे, ऐसे ऑक्सीजन आएंगे और उसे पैसे से खरीदना पड़ेगा। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को कॉपी टू पेस्ट एवरी चीज या एवरी सिचुएशन के लिए समझ सकते हैं कि बिना पैसे के इस पृथ्वी पर गुजारा नहीं है और पैसा बड़ी तादाद में चाहिए। और ये मंत्र शक्तिपात मैंने जो 9 महीने मेहनत करके सिद्ध किया है, वो आने वाले 1000-2000 सालों तक लोग सुनते रहे और अपनी आर्थिक प्रगति को इतना वो सक्षम भी कर सके ताकि वो जीवन जरूरी चीजों को आराम से खरीद सके, वो अपने बच्चों को आराम से तालीम दे सके, उनके कैरियर के लिए पैसा जुटा सके। आज भी वो चीज नामुमकिन होती है। बहुत से भक्तों को मैंने सुना है जो अपने बच्चों को यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका भेजना चाहते हैं। उनके बच्चे काबिल भी है, लेकिन फिर भी पैसे की कमी के कारण वो नहीं भेज पाते, ना पढ़ने के लिए, ना वास सेटल होने के लिए। यानी बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आप हमें अच्छी तरह से पाल नहीं सकते थे तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया। आज 18 साल के बच्चे अपने माँ बाप से ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। माँ बाप के सामने ऐसे सवाल खड़े होने का मतलब है कलयुग आ चुका है, कलयुग में हम जी रहे हैं।
आज कोई श्रवण बनना नहीं चाहता ना, आज सबको अपना स्वार्थ देखना है, सबको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ को देखना है। माँ बाप बच्चों के साथ आधा घंटा वक्त बिताए वो मानस समझ लीजिए, बच्चों की जरूरियात अगर पूरी होती है तो बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे, ऐसे माहौल चारों ओर खड़ा हो रहा है। और ये माहौल खड़ा हम सब ने किया है, कोई एक इंसान इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सब जिम्मेवार है। आपके बच्चों के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पैसा कमाते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी, अच्छी पढ़ाई और खासकर अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हैं। इस बात से कोई इंसान मना नहीं कर सकता दुनिया का, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। हर इंसान अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए पैसा कमा रहा है, खुद के लिए नहीं। खुद की जरूरत अगर वो इंसान देखे जो पैसा कमा रहा है तो महीने के 10,000 भी ज्यादा होंगे, लेकिन परिवार की जरूरत के लिए वो दौड़ रहा है। तो उन लोगों को सपोर्ट मिले, वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रोग्रेस में ला सके, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सके, विकास कर सके और अपने परिवार को खुशहाल रख सके, इतनी जिम्मेवारी भी उन पर है। और मैंने जो ऑक्सीजन वाला आपको एग्जांपल दिया, आने वाले वक्त में अगर ऑक्सीजन भी खरीदना पड़े तो भी आने वाली जनरेशन को पैसा चाहिए, बिना पैसे के अब कुछ नहीं मिलेगा। 15-20 साल पहले अगर आप जाए कार को किसी जगह के पार्क करनी हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आज पैसा देके कार पार्किंग मिलता है। प्रॉपर्टियां अगर आप कार पार्किंग ना दो तो बिल्डर की प्रॉपर्टी भी नहीं बिकती है। यानी हर जगह पे आज फैसिलिटी का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। ऐसे वक्त में आपका पैसा आप कमाए और पैसा सिक्योर रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। आपने किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया है फिर भी आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है कि इंसान को खुद पता नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसा लाखों में कैसे दूसरे के अकाउंट में चला गया, और ऐसे रोजाना केस साइबर में आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा चक्रव्यूह, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड गोल गोल घूमकर पैसे पर आकर अटक जाता है। एक संत का आश्रम चलाने से लेके एक कॉर्पोरेट हाउस चलाने तक पैसा चाहिए, एक आम आदमी के घर का दिया जलाने के लिए भी पैसा चाहिए। ऐसे वक्त में अगर पैसा कमाने के लिए रास्ता दिखाया जाता है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि पैसा कमाने के लिए क्यों उकसाया जाए, लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए किसी को तैयार न किया जाए वो दौड़ता तो रहेगा सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पैसे के लिए, मेहनत तो वो पैसे के लिए करता है, मोक्ष के लिए वो कर नहीं रहा है। तो पैसा कमाने के लिए आज किसी को उकसाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा कमाना आज जरूरत बन चुका है, स्टेटस बन चुका है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पास में कोई बिठाएगा भी नहीं, ये बात आप मेरी लिख लीजिए। और जिस दिन ऑक्सीजन बिकने लगेगा और आप उस ऑक्सीजन को खरीद नहीं पाएंगे तो घर के सदस्य को आप क्या जवाब देंगे? डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा, आपने पैसा बचा के रखा होगा तो घर चलेगा। जैसे कोविड में जिसने पैसा बचा के रखा वो लोग अच्छी तरह से सरवाइव कर गए, और जिन लोगों ने पैसा बचा के नहीं रखा, पैसे को बेतहाशा उड़ाया, वो लोग दिक्कत में आ गए, माइनस में आ गए, उनके बिजनेस बंद हो गए, उनकी नौकरियां जब गई तो वो लोग एक एक रुपये के मोहताज बन गए। मैंने ये 2 साल में देखा है, आप सबने भी देखा है। ऐसी परिस्थिति का पुनरावर्तन ना हो इसलिए भी इस मंत्र शक्तिपात को सुनिए। मंत्र शक्तिपात देने से पहले मैंने बहुत लंबी बात समझाई है, अगर आपके दिमाग में अगर ये बात आज नहीं जाएगी तो समझ लीजिए कि उस ऑक्सीजन को खरीदने की ताकत आपकी नहीं होगी।
अल्कलाइन वाटर जो आज दुनिया में आ चुका है, लोग पी रहे हैं, लेकिन अल्कलाइन वाटर खरीदने की ताकत सबकी आज नहीं है। उसी तरह से ऑक्सीजन खरीदने की ताकत भी नहीं रहेगी। कोविड में जिसके पास पैसा था उन्हें ऑक्सीजन मिला, जिसके पास पैसा नहीं था दुनिया में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, ये भी एक सत्य है। तो मेरे भक्तों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, आज ये मंत्र शक्तिपाठ आप खुद सुनिए रोजाना, और अपने संबंधियों को, परिवारजनों को, मित्रों को, दोस्तों को, सबको कहिए कि अपने जीवन को आर्थिक तौर पे समृद्ध बनाने के लिए इस दिव्य मंत्र शक्तिपाठ को सुने। साधु भी सुने, संत भी सुने, और राजनेता भी सुने, एक आम इंसान भी सुने, और एक फिल्म में काम करने वाला एक्टर भी सुने, क्योंकि सबको जरूरत पड़ने वाली है। कोई अगर ऐसी तौर में है कि हम बहुत पैसा कमा के बैठ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो गलती कर रहा है। और आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि मेरी बातें सच हो रही है। मैंने 5 जनवरी 2020 को कहा था कि महामारी बड़े तौर पे दुनिया में फैलेगी, तब बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था, और ये बात 2 साल सच भी हुई। मेरी बात सही साबित हुई। आज तक मैंने जब जब जो जो कहा है वो देर सवेर सही हुआ है। इसलिए मैं आपको सजग भी कर रहा हूं, और आपको ये समझ भी दे रहा हूं कि आप आज से जाग जाइए। यह मंत्र शक्तिपाठ दिन में एक बार सुनना है और हमेशा सुनना है। मंत्र शक्तिपाठ सुने। ओम लक्ष्मी वदम धन, त्रबावदम धन, त्रिश्यावदम धन, प्रभावदम धन, रद्या लक्ष्मी वदमाही वदमाही नमः। त्रमा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 त्रम वादम त्रदामितम वादम त्रदामितम वादम त्रदामितम त्रम वादम सिद्धम रब्बम रक्तम त्रिदामह वदमा ओमामह 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 नमः ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपाठ आपको आर्थिक तौर से इतना सक्षम बनाएगा, आपको हर तरह की सिक्योरिटी भी देगा, और जीवन में किसी भी समस्या के वक्त आपके पास पैसा आपके हाथ में होगा, इतना मैं आपको 100% आश्वस्त कर सकता हूँ। ओंकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रितेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।